बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम योर मैथ टीचर मिस आसिया सुहेल। हाउ आर यू बेटा? पहले हम रिवीजन देख लेते हैं कि हमने पहले लास्ट वीक में क्या किया था। हमने यूनिट नंबर 9 किया था, ठीक है। यूनिट नंबर 9 क्या है? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि किसी ऐसी इक्वेशन जिसका सिंगल वेरिएबल हो और एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन है। फिर हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा कि किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर हमने ये 9.1 आप लोगों ने की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट में आता है और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का अगर आता है तो फिर लॉन्ग में आ जाता है। फिर स्टोरी सम्स किए थे। स्टोरी सम्स में ये 2 जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं पेपर्स के लिहाज से। ये दोनों एग्ज़ाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको हाईलाइट भी कर लें। फिर आपने 9.2 की थी, ये भी सारी स्टोरी सम्स हैं और ये ज़्यादातर लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिव्यू 9 बुक वर्क आपने कंप्लीट कर लिया है सब बच्चों ने। अब हम नेक्स्ट यूनिट्स, ठीक है अब बेटा, अब हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेते हैं किसका, स्क्वायर का। हम ये देखते हैं कि स्क्वायर क्या है। जब भी हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर कहलाता है। अब देखें, जैसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि हम लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर लेने के लिए लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट करें कि लेंथ क्या है, लेंथ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या किसका स्क्वायर है, एक्स का, ठीक है ना। तो द स्क्वायर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपने अपना हाइलाइटर निकालें और आप ये सारा हाईलाइट करते जाएं जो मैं आपको बुक वर्क करवा रही हूँ। हम अब स्क्वायर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्क्वायर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अब स्क्वायर क्या है बेटा, आप स्क्वायर देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। के प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर यानी एक नंबर को का जब हम प्रोडक्ट लें विद इटसेल्फ उसी से, यानी एक नंबर को जब उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल क्या है, फ़र्ज़ करें आप 4 है एक वैल्यू, आपने 4 को एक नंबर 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 4 16। अब 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। इसी तरह जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, 36 6 का स्क्वायर है। बेटा ये डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन जो होती है ये पेपर में भी आपको डेफिनेशन आ जाती हैं। तो 2 मार्क्स की डेफिनेशन होती है जिसमें से 1.5 मार्क की डेफिनेशन होगी और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी देना होती हैं। आप कोई सी एक एग्जांपल दें, 0.5 मार्क आपके एग्जांपल के होंगे। अगर आप एग्जांपल नहीं देंगे तो फिर 0.5 मार्क आपका कट जाएगा और फिर आपको 1.5 मिलेंगे, इसलिए एग्जांपल देना ज़रूरी होता है। इसी तरह नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें बुक पे, ठीक है, और इसकी 2 एग्जांपल्स भी कोई सी आप हाईलाइट कर लें। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर को। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर, अब पहले तो हम ये देखें नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना बेटा, आपको पता है ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर उसे परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल, जब ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होते हैं। कैसे, अब देखें यहाँ पर हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, 3 स्क्वायर है, ठीक है बेटा, हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 क्या है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 7 का स्क्वायर है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 49 49, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? अब यहाँ देखिए मज़ीद आपको इससे समझ आ जाएगी। अब देखिए 9 क्या है, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे
नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट कैन बी नोटिस दैट ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना बेटा, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, सो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसी पेज 60 पे ही आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, टू टेस्ट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब आपने ये देखना है कि टेस्ट करना है आया एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर लें, यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर लें, अब मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। देखिए बेटा, टेस्ट वेदर अ नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, आपने टेस्ट करना है कि आया एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का अभी आपने कंसेप्ट देखा, अब आपने ये चेक करना है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। वो कैसे हमें पता चलेगा, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप क्या करेंगे, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उसका आप प्रोडक्ट ले लें, ठीक। इफ़ ऑल द फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स, अगर वो तमाम उसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होंगे, देन द गिवन नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर जो उसके फैक्टर्स होंगे उसको आपने उसका प्रोडक्ट ले लेना है, उसके पेयर बना लेने। अगर वो सारे पेयर की सूरत में होंगे तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर की सूरत में नहीं है तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम इसकी एग्जाम्पल देख अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, आपको देखें ये दिए हुई एग्जाम्पल 3969। हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस नंबर का की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप देखेंगे कि आप इसको पहले देखेंगे किस पे डिवाइड, टू से नहीं होता डिवाइड, हम थ्री से करेंगे। थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री टू ज़ार सिक्स, फिर थ्री थ्री ज़ार नाइन, ठीक है। फिर दोबारा देखें किससे ये डिवाइड होता है, थ्री से। थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, वन बच जाएगा, ट्वेल्व बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, फिर थ्री वन ज़ार थ्री। अब हम इसको मज़ीद देखें किससे करें डिवाइड, थ्री से। थ्री वन ज़ार थ्री, फिर यहाँ वन बच, टू बच, थ्री वन ज़ार थ्री, वन बच जाएगा फोर्टीन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, टू बच जाएगा ट्वेंटी वन, थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन। फिर थ्री से करते हैं, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, टू बचेगा ट्वेंटी सेवन, थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन। अब देखें 49 आ जाता है, 49 किस पे डिवाइड होगा, सेवन पे, सेवन सेवन ज़ार 49, ठीक है बेटा। अब फिर सेवन रह जाता है, फिर सेवन वन ज़ार सेवन। इस तरह आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। अब आपने इन फैक्टर्स को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेंगे। आप लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3969, ठीक। हमने ये तमाम जो ये फैक्टर्स दिए हुए थे इसका हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब इसके ग्रुप को पेयर की सूरत में ले लें। अब देखिए एक पेयर हमारा ये थ्री थ्री का बन जाता है, फिर नेक्स्ट पेयर ये है थ्री का, और नेक्स्ट पेयर क्या है सेवन का। देखें ये थ्री का पेयर, फिर नेक्स्ट थ्री का, फिर सेवन का, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, पेयर की फॉर्म में आ गए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये सारे ही फैक्टर्स पेयर की सूरत में आ जाए तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये पेयर की सूरत में ना हो, फर्ज़ किया यहाँ सेवन सिंगल आ जाता, डबल ना होता, तो फिर हम कहते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अब ये तमाम ही पेयर की सूरत में आ गए इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो वी कैन सी दैट ईच फैक्टर फॉर्म्स अ पेयर, हैंस 3969 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए हम कहेंगे कि ये 3969 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 61, बुक वर्क कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर 61 है, 61 पे हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ कौन कौन सी हैं, पहली क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, कि किसी भी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो इवन नंबर होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, कि ऑड नंबर का जो हम स्क्वायर लें तो वो भी ऑड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ लेस देन इटसेल्फ, कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो उससे छोटा होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का हम स्क्वायर लेंगे वो उस असल वैल्यू से छोटा होता है, उसको फिर हम डिटेल में देखेंगे। फिर फोर्थ क्या है, द स्क्वायर्स ऑफ अ डेसिमल लेस देन वन इज स्मॉलर देन द डेसिमल,
स्केयर ऑफ अ डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, जो पॉइंट की शक्ल में होता है, उनका जो हम जब स्केयर लेते हैं इस लेस देन वन, वन से जो छोटा हो, इस स्मॉलर देन द डेसिमल, उस डेसिमल से छोटा होता है। अब जो आपने ये फोर प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, हम इनमें से टू को आज हम डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट टू मैं नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगी। पहली क्या है, द स्केयर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन, के इवन नंबर का स्केयर हमेशा क्या होता है, इवन होता है। इसको देखते हैं हम, द स्केयर ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन नंबर्स, कैसे कि तमाम जो इवन नंबर्स होते हैं जब हम उनका स्केयर लेते हैं तो वो भी इवन नंबर आते हैं। हम इसको देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल देखें, एट स्केयर है, एट क्या है हमारे पास, एट है इवन नंबर। जब हम इसका स्केयर लेते हैं, इसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, एट को एट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है आंसर, 64। ठीक है गर्ल्स, 64 आता है। अब 64 को देखें कि 64 इवन है या ऑड, इवन है ना, तो जब हम किसी इवन नंबर का स्केयर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो भी इवन ही आता है। इसी दूसरी एग्जांपल देखें, फोर स्केयर, यानी फोर क्या है, वो भी इवन नंबर है। हम फोर का जब स्केयर ले रहे हैं, फोर को, इस फोर को उसी फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसका स्केयर लेते हैं, क्या आ जाता है, 16। तो 16 देखें गर्ल्स, ये भी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है ना, यहाँ ये प्रूफ हो रहा है कि हम किसी भी इवन नंबर्स का जब हम स्केयर लेते हैं तो वो भी इवन नंबर ही आता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, द स्केयर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, कि ऑड नंबर का जो स्केयर होगा वो भी ऑड होता है। कैसे, द स्केयर्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड नंबर्स, कि जब भी हम ऑड नंबर्स का, तमाम ऑड नंबर्स का जब स्केयर लेते हैं तो वो ऑड नंबर होता है। इसको हम एग्जांपल में देखते हैं बेटा, कैसे देखें, एग्जांपल देखें, थ्री, अब थ्री क्या है हमारे पास, ये ऑड नंबर है। अब हम इस ऑड नंबर का जब स्केयर लें, हम थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाता है, नाइन। नाइन क्या है, ये इवन है या ऑड, ऑड है ना। जब हम ऑड नंबर का स्केयर लेते हैं तो वो भी ऑड होता है। इसी तरह नाइन देखें, नाइन भी ऑड है। नाइन को हम नाइन से मल्टीप्लाई करें, हम इसका स्केयर लेते हैं, क्या आता है, 81। और 81 क्या है, ये ऑड है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें प्रूफ हो रहा है कि हम किसी भी ऑड नंबर का जब स्केयर लेते हैं तो वो ऑड होता है। ये हमने टू यहाँ पे आज प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ी हैं। नेक्स्ट जो टू होंगी वो फिर मैं आपको नेक्स्ट डे क्लियर करवाऊँगी। यूनिट 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1, ये पेज नंबर 63 पे है। ठीक है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि इन नंबर्स का आपने स्केयर फाइंड करना है। अभी आपने पढ़ा था स्केयर, स्केयर क्या होता है कि हमने उसी नंबर को, उस नंबर को उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट और सेवन पार्ट करवाऊंगी, बाकी पार्ट्स आपको मैं उसकी पिक दूंगी, आपने सॉल्व करने हैं, खुद भी कोशिश करनी है आपने, बहुत इजी है ये। और ये वाले जो क्वेश्चन नंबर वन है, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं या फिर MCQs में आता है, तो ये 2 मार्क्स का, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और अगर MCQs में आएगा तो फिर ये 1 मार्क। अब हम इसको रिटर्न वर्क स्टार्ट करने के लिए आप पहले इस तरह यूनिट नंबर 5 का पेज रेडी कर लें। यूनिट 5 लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, इस पेज को आप पहले स्टार्ट। अब बेटा आप अपना पेज रेडी करें, सबसे पहले आप डेट पुट करें, मंडे की, मंडे 29 जून 2020, क्लास वर्क, एक्सरसाइज लिखें 5.1, पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह रेडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड स्केयर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, पहले इसको क्वेश्चन रेडी करें, फिर हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे। पार्ट 1 क्या है, 6, हमें पार्ट 1 में दिया हुआ क्वेश्चन है 6, हमने 6 का स्केयर लेना है। ठीक है, 6 का स्केयर कैसे लेते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किसी भी नंबर का जब स्केयर लेना होता है उस नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका स्केयर आ जाता है। हम ऐसे लिखेंगे, स्केयर ऑफ 6। ठीक, अब हम 6 का स्केयर ले रहे हैं, यानी 6 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 आर क्या हो जाएगा, 36। तो 36 6 का स्केयर है, ये हमारे पास का स्केयर आया। इसी तरह हम इसका पार्ट 7 करते हैं, पार्ट 7 क्या है, 41। अब हमने 41 का स्केयर लेना है, स्केयर ऑफ 41, 41 का स्केयर ले लें हम, 41 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो हमारे पास
छोटी वैल्यू थी, इस नंबर सिक्स था जिसको हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से 10, लेकिन 41 ज़रा बड़ी वैल्यू है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए इसका साथ में छोटा सा रफ। अब हम 41 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 41 मल्टीप्लाई 41। इसके लिए आप छोटा सा साइड पे रफ़क करें, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1 फोर जा 4। फिर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इसको ऐड कर लें, 1 4 और 4 8, 6 1 1681। ये हमारे पास क्या आ गया है, 41 का स्केयर आया। हमने इसको 41 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास इसका स्केयर आ गया 1681। अभी मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं, इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। इसी हैं, आपने हर नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर बच्चे? चलें बेटा, अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई है। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कि हम ये देखना है कि आया ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं भी या नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अभी मैंने आपको बुक वर्क में भी समझाया था कि परफेक्ट स्क्वायर उस सूरत में होंगे अगर जो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं अगर उनके वो पेयर की फॉर्म में होंगे तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर वो पेयर की सूरत में नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसका मैं पार्ट 2 और 5 करती हूँ या आपको समझाती हूँ, इसी तरह ही आपने बाकी पार्ट्स की भी प्रैक्टिस करनी है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 रेडी कर लें, रजिस्टर पे क्वेश्चन लिखें, टेस्ट वेदर फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है ना, अब आया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। अब हमें पार्ट 2 दिया हुआ है, पार्ट 2 क्या है, 625। ठीक है ना, अब हमने देखना है कि 625 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस तरह साइड पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 625 को देखें किस पे डिवाइड होता है, सबसे आपने छोटा फैक्टर लेना होता है, 2 से, 2 से नहीं हो रहा डिवाइड, 3 से, 3 से भी नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे 5 से करके देखेंगे, 5 1 जा 5, 1 बचेगा 2, 5 2 जा 10, फिर क्या बचेगा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर हम फिर इसको 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, 4 टाइम 5 हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625, हम इसका प्रोडक्ट लिखेंगे इन प्राइम फैक्टर्स का। इस सूरत में इक्वल का साइन लगा के आपने लिखना है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन सारे प्राइम फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे बेटा, पेयर लेंगे। देखें कि हम पहला पेयर क्या है, ये 5 और 5, ये एक पेयर बन गया हमारे पास। फिर ये 5 का सेकंड पेयर आ गया। देखिए तमाम ही इसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर की फॉर्म में है। तो हम अब देखें बेटा, यहाँ जो सारे फैक्टर्स थे वो क्या करें, एक पेयर की फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर ईच फैक्टर ऑफ 625 फॉर्म्स अ पेयर, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये पेयर की सूरत में थे इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अब हम एक और पार्ट देखते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कैसे होगा। पार्ट 5 देखें, 425 हमें दिया हुआ है, हमने इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको आप 425 को डिवाइड करेंगे, देखेंगे किस पे होता है, 5 पे, 5 8 जार 40, 2 बच जाएगा 25, 5 को फिर डिवाइड करेंगे, 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 1 जार 5, 3 बचेगा, 5 7 जार 35। ठीक है गर्ल्स, अब देखिए अब 17 आ गया हमारे पास, हम इसको किससे करेंगे, 17 है ज़ाहिर, इसको 17 पे ही करेंगे, 17 1 जार 17। ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम देखेंगे अब इसके ये तमाम जो फैक्टर्स हैं इसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 425 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। हम ऐसे लिखेंगे इसको, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब हम इसको ग्रुप पे पेयर की सूरत में हम इसको लिखेंगे। अब देखिए 5 और 5 ये एक पेयर बन गया, लेकिन अब जो 17 है इसका हमारे पास कोई पेयर भी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पेयर था लेकिन यहाँ नहीं है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर में अगर उसकी
जो फैक्टर्स हैं वो पेयर की सूरत में हों, तमाम फैक्टर्स पेयर की सूरत में हों तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कोई भी एक पेयर की सूरत में नहीं है तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम क्या लिखेंगे, 17 इज़ अ फैक्टर, ये 17 इज़ अ फैक्टर विच कैन नॉट बी पेयर्ड विद एनी इक्वल फैक्टर, सो 425 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा आपको समझ आ गई है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर की कि वो कैसे होगा। बेटा आपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं। आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बुक पे ही इसकी डेट पुट करें आज की 29 की, और अब हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी भी आप डेट पुट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। देखें क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने आपको पहले भी बताया, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस में ही ज़्यादातर आते हैं क्योंकि ये या फिर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाएंगे और 2 मार्क्स के होंगे। अगर एमसीक्यूज़ में आएंगे तो फिर 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। आपने क्या करना है कि इवन और ऑड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर को बगैर सॉल्व के सेपरेट करना है। हम इसका पार्ट 1 और 5 करते हैं। आप इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप रजिस्टर पे रेडी कर लें, विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। पार्ट 1 क्या है, 441। सबसे पहले आप बेटा ये देखें कि ये 441 क्या है, इवन है या ऑड नंबर है। अब देखें हम इसके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, यूनिट को देखेंगे। अगर ये इवन हो तो पूरी वैल्यू इवन होगी, अगर ये ऑड होगा तो सारी वैल्यू ऑड होगी। तो देखें अब यहाँ 441 में 1 क्या है, ऑड है, तो इसलिए 441 ऑड है, ऑड नंबर है। अब देखें यहाँ हम इसका आंसर स्टेटमेंट में देंगे। हमें आपको मैंने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ाई थी बुक वर्क करवाते हुए कि जब हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी ऑड नंबर होता है, ठीक है। अब जैसे हम 4 है ऑड लें, फ़र्ज़ किया आप 9 ले लें, 9 ऑड है, हम 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी स्क्वायर उसका ऑड नंबर आएगा। तो हम यहाँ इसकी रीज़न लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ़ एन ऑड नंबर इज़ आल्सो ऑड, क्योंकि एक ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो ऑड होता है। देयरफॉर ये 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। हम यहाँ इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे। ऐसे ही आपने पार्ट 5 करना है, 11,236। अब देखें ये क्या है, इवन है या ऑड, इसका भी आप देखें फर्स्ट यूनिट को देखें, फर्स्ट नंबर। अगर ये इवन है तो पूरी वैल्यू इवन, ये ऑड है तो पूरी वैल्यू ऑड होगी। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो ये पूरी 11,236 ये भी एक इवन नंबर है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी इवन नंबर की भी देखी थी कि जब किसी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी क्या होता है बेटा, इवन नंबर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो बेटा यहाँ भी हम वही लिखेंगे कि ये असल से पहले तो आप यहाँ पे ये साइन लगा दें। ये देखिए ये साइन क्या है, 2 डॉट नीचे 1, ऊपर क्या है, देयरफॉर। अब हम लिखेंगे देयरफॉर 11,236 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, यानी हमने ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर लिया है। तो आपने इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट में लिखना है।